Welcome to Abhi Video, guys. Today we are going to discuss a very important topic, that is blacklisting of Pakistan. आपने देखा होगा कि भाई इंडिया और हमारी कंट्री पाकिस्तान के साथ हमारी कंट्री का ऑलवेज 36 का आंकड़ा रहता है, राइट? सो वी नीड टू ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान. नो द थिंग इज देर इज अनदर टर्म इन न्यूज, दैट इज FATF. अभी FATF क्या है? वी हैव टू नो. ये UPSC भी पूछती है, राइट? सो फॉर अब देखो हिस्ट्री 1980s. इन 1980s टेररिस्ट फाइनेंसिंग वाज देयर. कितने अटैक हो रहे थे पाकिस्तान, हर एक कंट्री, और एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर के पाकिस्तान भी इसको प्रमोट कर रहा है. अब G7 कंट्रीज वो परेशान होगी, ठीक है, कि भई यार इसको कहीं ना कहीं से हमने ख़त्म करना है. सो इन दैट सेंस उन्होंने क्या किया कि दो मेजर प्रॉब्लम है. एक तो मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये नहीं कि वॉशिंग मशीन ने डाली और मनी साफ होगी, नहीं. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी टू वाइट मनी. जैसे करते हैं ना, हल्की थोड़ी थोड़ी पैसा 10 लोगों के अकाउंट में डाल दिया जी, लो वाइट मनी होगी. अब डीमोनेटाइजेशन के अंदर कितनी ब्लैक मनी हमारी वाइट हुई, राइट? सो मनी लॉन्ड्रिंग से नेगेटिव क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मेजर प्रॉब्लम है कि भाई जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को आप ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करते हो तो वो लेजिटिमेट मनी हो जाती है. अब उससे आप कुछ भी करो, ठीक है. सेकेंड इशू वॉज टेररिस्ट फाइनेंसिंग. अब देखो दोनों इंटरलिंक है. अगर टेररिज्म फाइनेंस तो टेररिज्म के लिए ऑक्सीजन है. अगर उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो काम चल रहा है, ग्रो कर रहा है. अगर आपको ऑक्सीजन मिल रही है तभी तो हम जिंदा है, राइट? तो उनको भी जब तक ऑक्सीजन मिल रही है वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ऑक्सीजन बंद करनी है. जो उनकी ऑक्सीजन की पाइप है ना उसको दबाना है, राइट? तो उस टाइम पर 1980s के G7 कंट्रीज उन्होंने एक मीटिंग रखी कि यार कुछ करो इनका, कि कितना टेररिज्म इंक्रीज हो रहा है, राइट? एंड अल्टीमेटली उन्होंने एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई जिसको बोलते हैं FATF 1989. अब FATF बन गई, टास्क दे दिया इसको, जैसे रोडीज के टास्क मिलते हैं, इसको भी रोडीज बना दिया. इसको बोला कि ठीक है तुम्हारे अंदर भी रोडीज का बैग डाल दिया है. अब टास्क मिल गया क्या? टू करब मनी लॉन्ड्रिंग. कि मनी लॉन्ड्रिंग को पहले समझो कभी कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कैसे कैसे टेररिज्म फाइनेंस होता है. एंड अल्टीमेटली उन्होंने गाइडलाइंस दी, राइट? 1990s के अंदर इन्होंने गाइडलाइन दे दी. अब वो गाइडलाइन क्या थी, जिसको बोलते हैं हम 40 रिकमेंडेशन दे दी कि अगर कोई कंट्री इन 40 रिकमेंडेशन को फॉलो करेगी तो वो उसको क्या होगा कि वो कंट्री को मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक्शन लेगी और वहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिक्रीज हो जाए, राइट? उसके बाद इन्होंने सोचा ठीक है जी, मनी लॉन्ड्रिंग तो हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल बना दिए, रिकमेंडेशन दे दी कंट्रीज को, सारी कंट्री को भी आपने इनको फॉलो करना है. बट फिर भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही थी. ज़रूरी नहीं है ब्लैक, कई कंट्री जैसे पाकिस्तान को ऐसा भी है कि भी पाकिस्तान डायरेक्टली टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहा है कि इंडिया को डिस्टर्ब करना है. हमारा कश्मीर जैसे दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, तो वही केस है. तो इस केस में भी अल्टीमेटली 2004 में इन्होंने कहा ठीक है यार अभी हमें टेररिस्ट फाइनेंस को रोकना है. एंड देन अल्टीमेटली इन्होंने करप्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये गाइडलाइन और ले आई, जिसको बोलते हैं 9 गाइडलाइंस. अब ये 9 गाइडलाइंस जो आई तो अब बनता है 40+9 रिकमेंडेशन. UPSC कैन आस्क यू इन प्रीलिम कि 40+9 रिकमेंडेशन वर रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट. ये रिकमेंडेशन आ गई, ठीक है ना. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. अब याद रखना दिस इज नॉट अ नॉन गवर्नमेंटल बॉडी, दिस इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. अगर ये इतना याद रखो आपको प्री में आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, UPSC के लिए प्रिपेयर करना, दैट्स इट, राइट? नाउ 40+9 रिकमेंडेशन तो आ गई, तो क्या ये इंडियन पार्लियामेंट जैसे कोई भी लॉ बनाती है बस वो कागज के ऊपर रहता है? क्या ये कागज के ऊपर ही है या इसको कोई सिग्निफिकेंस भी है?
सिग्निफिकेंस है तो कैसे है? अब सपोज करो कि भाई कोई कंट्री, कोई क्या, पाकिस्तान, अब अगर ये रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करे तो उसके साथ क्या किया जाएगा? मार देंगे या छोड़ देंगे उसको? उसके लिए भी FATF ने एक नया प्रोसीजर लिया है, दैट इज लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड रेड लिस्ट। जैसे फुटबॉल में, हॉकी में होता है कि येलो कार्ड, रेड कार्ड, सिमिलरली इसके अंदर भी लिस्ट है, दैट इज ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। नाउ यस, नाउ ग्रे लिस्ट, देयर आर टू लिस्ट, वन इज ग्रे लिस्ट, अनदर वन इज ब्लैक लिस्ट। देयर आर 12 कंट्रीज विच आर प्रेजेंट इन ग्रे लिस्ट। इट मीन्स कि अगर सपोज करो किसी कंट्री ने फॉलो नहीं किया, उस केस में पहले उस कंट्री को रखेंगे ग्रे लिस्ट में, उसको बोलेंगे कि आपने एक्शन लो टू करप्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, फिर भी वो नहीं मानता, डीट है, तो अल्टीमेटली उसको किस में इंक्लूड कर देंगे? ब्लैक लिस्ट में। नो, राइट नाउ देर आर टू कंट्रीज, वन इज ईरान, अनदर वन इज नॉर्थ कोरिया इन ब्लैक लिस्ट, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पाकिस्तान, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर बड़े बड़े हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हुआ नहीं, पाकिस्तान की कहानी क्या है, राइट? सो पाकिस्तान वॉज प्रीवियसली पुट इन ग्रे लिस्ट फ्रॉम 2012 to 2015, पहले 2012 to 2015 के अंदर इसको ग्रे लिस्ट में कर दिया। ग्रे लिस्ट इज जस्ट अ वार्निंग लिस्ट कि पहले ग्रे लिस्ट में करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानोगे देन अल्टीमेटली हम किसके रख देंगे आपको? ब्लैक लिस्ट। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, 15 में फिर बाहर आ गया। नो, रिसेंटली जून 2018 इसको फिर FATF ने ग्रे लिस्ट में रख दिया, राइट? अब FATF ने ग्रे लिस्ट में रख दिया, अब ये बोलता है यार मुझे हर बार ग्रे लिस्ट में रखते हो, क्या आप चक्कर गए? तो कहते कि यू हैव टू फुलफिल रिकमेंडेशंस, कि आपको रिकमेंडेशन को अप्लाई करो भाई, ये कर क्या रहे? एंड अल्टीमेटली उसको 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया पाकिस्तान को, एक्शन प्लान। अब पाकिस्तान को बोल दिया कि आपको टेररिस्ट फाइनेंस को डिक्रीज करना है, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको कम करना है। अब पाकिस्तान इसको करेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक टेररिज्म है तब तक पाकिस्तान है, राइट? तो पाकिस्तान का गुजारा नहीं, जैसे हमारा रोटी के बिना गुजारा नहीं, पाकिस्तान का टेररिज्म के बिना गुजारा नहीं, राइट? तो पाकिस्तान को लगता है अगर हमने टेररिज्म ख़त्म किया तो पाकिस्तान ख़त्म है। एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान ने इसमें से जस्ट 6 रिकमेंडेशन को थोड़ा सा फुलफिल किया, और ये वो करके ऐसे ही बैठ रहे, उनको लगता था कि कुछ नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली अगस्त के अंदर एशिया पैसिफिक ग्रुप अब एसोसिएट मेंबर्स ऑफ FATF, देर आर 9 एसोसिएट मेंबर्स ऑफ FATF, उसमें उसके अंदर एक है एशिया पैसिफिक ग्रुप ने क्या किया, पाकिस्तान को एक अलग लिस्ट में डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं एनहेंस्ड एक्सपीडाइटेड फॉलो अप लिस्ट। अब इस लिस्ट का मतलब, अगर न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं कि APG ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, नहीं, दिस इज़ नॉट अ ब्लैक लिस्ट, ये सिर्फ एक खाली रिकमेंडेशन। जैसे आप अगर जॉब के लिए जाते हो, किसी मंत्री की लेटर ले ली, रिकमेंडेशन है जी, इसी तरह ये भी रिकमेंडेशन है। इसने FATF को रिकमेंडेशन दे दी कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के लिए इंक्लूड कर दो। फॉर UPSC यू हैव टू रिमेंबर दैट APG कैन नॉट ब्लैक लिस्ट एनी कंट्री, इट कैन जस्ट रिकमेंड दैट पर्टिकुलर कंट्री फॉर ब्लैकलिस्ट। अब आ गया टाइम, वो भी टाइम आ गया, अब रिसेंट पेरिस के अंदर मीटिंग होगी, बुला लिया पाकिस्तान को कि भाई आ जा, ना तूने ये पूरा किया है, करता वरता कुछ है नहीं है, बस टेररिज्म को प्रमोट करता है, अभी अब तुझे ब्लैकलिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। FATF के 39 मेंबर्स, अब पाकिस्तान को बचने के लिए 3 बंदों की सपोर्ट चाहिए, और पाकिस्तान के बड़े भैया चाइना, अब बड़े भैया को पाकिस्तान ने बोला कि भैया दूज का कर्ज चुकाना, और भैया दूज का कर्ज चुका दिया उसने, एंड अल्टीमेटली चाइना ने सपोर्ट कर दी,
चाइना बड़े भैया ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट पाकिस्तान एंड देन मलेशिया ऑल्सो सपोर्ट एंड देन अनदर कंट्री दैट इज टर्की. ये तीनों कंट्री ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया. अगर तीन मेंबर की सिर्फ तीन वोट चाहिए टू इवेड ब्लैकलिस्ट एंड अल्टीमेटली जब तीन ने सपोर्ट कर दिया तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्टेड नहीं हुआ. अब नेक्स्ट मीटिंग तक रखा है कि भाई अगर आप नेक्स्ट मीटिंग तक नहीं करते फिर आपको ब्लैकलिस्ट में कर देंगे. लेकिन जब तक चाइना और मलेशिया और टर्की ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे बड़ा डिफिकल्ट है टू इंक्लूड पाकिस्तान इन ब्लैकलिस्ट. नाउ द थिंग इज के ब्लैकलिस्ट करना जरूरी है या ग्रे लिस्ट. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है. अगर आपने देखो गेम के अंदर अगर येलो कार्ड मिले या रेड कार्ड मिले उसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होता है प्लेयर के ऊपर. सिमिलरली इसका क्या सिग्निफिकेंस है. द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रे लिस्ट इट मीन्स कि पाकिस्तान को अगर आपने ग्रे लिस्ट में करा राइट तो उसकी वैल्यू क्या है उसका इम्पैक्ट ऑन कंट्री. द फर्स्ट इम्पैक्ट इज डेट रेटिंग. इम्पैक्ट ऑन डेट रेटिंग. डेट रेटिंग मतलब क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ठीक है सीरियस मत लेना दूंगा नहीं ठीक है. अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ तो उस केस में वो वापस कर पाएगा ही नहीं. अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो बैंक देखती है क्रेडिट रेटिंग के भाई आपकी कितनी वर्थ है या कितनी आपकी सैलरी है कि आप वापस कर पाओगे या नहीं. तो उस केस में जैसे माल्या केस में भी देखा गया होगा. सिमिलरली कंट्री ये कंट्री के परस्पेक्टिव में बात करूँ तो डेट रेटिंग वो डाउनग्रेड होगी पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की विच इज इन ग्रे लिस्ट. देयर आर 12 कंट्रीज आर इन ग्रे दैट आर इन ग्रे लिस्ट. रिसेंटली श्रीलंका को बाहर आ गया ग्रे लिस्ट. इट मीन्स के अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है उसकी डेट रेटिंग पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. अब देखो डेट रेटिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा इट मीन्स कि उसको लोन ही नहीं मिलेगा या कम लोन मिलेगा या इंटरेस्ट के ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर मिलेगा. द सेकेंड थिंग इज बॉन्ड मार्केट. सेकेंड थिंग इज बॉन्ड मार्केट. बॉन्ड मार्केट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. जैसे बॉन्ड मार्केट की वैल्यू डिक्रीज होगी क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड विल डिक्रीज राइट. नाउ अभी रिसेंट पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी. वो बोलता है कि पाकिस्तान विल लूज $10 billion. पाकिस्तान विल लूज $10 billion एनुअली. क्योंकि हर साल $10 billion पाकिस्तान लूज करेगा अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर रहता. बट क्या उसकी बात में दम है ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान अगर 10 billion इतने पैसे. पहली बात पाकिस्तान के पास इतने पैसे कहाँ से ये तो पूछना पड़ेगा ना. 10 billion उसको वर्ड किसने सिखाया भाई. वो तो दो रुपए के लिए रोते हैं है ना. तो अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं कि 2012 to 2015 मैंने बताया था आपको कि 2012 to 2015 पाकिस्तान वाज इन ग्रे लिस्ट. अब उस केस में क्या पाकिस्तान का ये सारा बॉन्ड मार्केट ये उसको लॉस हुआ था या नहीं है ना. सो पाकिस्तान ने उस टाइम के ऊपर $5 billion रेज किए थे एंड उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बराबर चल रहा था. तो इट मीन्स कि ग्रे लिस्ट का इतना टेंशन नहीं है पाकिस्तान को क्यों. उसको पता है कि उसका जो लेजिटिमेट मार्केट से लेना देना नहीं है. इलीगली सारा काम चलता है. यूएसए पैसा आ रहा है. यूएस कभी उसको बंद कर देता है कभी चला देता है ना. सो 5 billion का बेनिफिट हुआ था उसको रेज किया था मार्केट से. इवन व्हेन द पाकिस्तान वाज इन ग्रे लिस्ट तो इसका मतलब अगर ग्रे लिस्ट में है भी तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना. ये पाकिस्तान ने शो कर दिया. नाउ द सेकेंड थिंग इज इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक लिस्ट. कि अगर ब्लैक लिस्ट के अंदर है कंट्री तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ. देखो पहले तो जो ग्रे लिस्ट के इम्पैक्ट हुए वो सारे इसके अंदर भी होंगे बट एट हायर थ्रेशोल्ड और थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट होगा उसका. सभी को अगर मैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दूँ वो ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी आपने लोन लिया अगर IMF अगर सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया. अब बैंक से लोन लिया आपने किसके लिए होम लोन या एजुकेशन लोन. अब बैंक देखेगी भी आपने होम लोन लिया तो घर बना भी रहे या नहीं. अगर आपने होम लोन ले लिया और पर्सनल यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो बैंक क्या चेक करेंगे कि भई आप क्या वाकई होम बना रहे हो नहीं. सिमिलरली अगर पाकिस्तान IMF
वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है, तो वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन किसी रीजन के लिए ले रहा है ना, हेल्थ इश्यूज या कोई भी सोसाइटी के लिए। अब देखो, अगर पाकिस्तान फाइनेंस कर दे टेररिज्म को वही पैसे, तो वो तो उसको तोड़ देंगे पाकिस्तान को, है ना। पाकिस्तान को वो फिर लोन देंगे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में है, इसका मीनिंग क्या है कि पाकिस्तान टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा है, सेकंड कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। अब दोनों चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है, इट मीन्स ये पैसा तो दे रहा है इनको, तो अगर ब्लैकलिस्ट में है तो वर्ल्ड बैंक या IMF कोई भी बैंक इनको लोन इतनी जल्दी देगी नहीं, क्योंकि उसका रीज़न है, उसको लगता है कि जो हम लोन देंगे ये टेररिस्ट फाइनेंस करेगा। और इंडिया के लिए स्पेशल कंसर्न है, इंडिया के लिए क्या कंसर्न है भाई, अगर आपने लोन दे दिया तो हमारा कश्मीर का इशू, वहाँ पर टेररिज्म इंक्रीज हो रहा है। सो इंडिया ऑलवेज ट्राई टू ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान, बट चाइना ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, राइट। नो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ FATF? भाई FATF तो है, अब देखो अमेरिका ने अफगानिस्तान या बाकी वेस्ट एशिया के अंदर कितनी कंट्रियों में टेररिज्म को प्रोवेंट किया, अभी बगदादी को मारा, उससे पहले लादेन को मारा था, कितना अमेरिका ने प्रोवेंट किया है ना टेररिज्म। सो क्या अमेरिका का मेथड सही है? दो मेथड है, वन इज मेथड ऑफ US, अनदर वन इज वी कैन से FATF, दोनों में से कौन सा मेथड सही? द अमेरिका के मेथड में इनोसेंट पीपल उनकी भी डेथ हो रही है, बट FATF के केस में FATF क्या कर रहा है, इट स्क्वीज फाइनेंस, और फाइनेंस जो होता है उसको कर्व करता है, लेकिन इस केस में इनोसेंट की डेथ नहीं होती। सो इट मींस कि जितना हम ये वाला मेथड यूज करें, मैंने स्टार्टिंग में बताया था दैट फाइनेंस इज अ ऑक्सीजन टू अ कंट्री और टेररिज्म, है ना। जैसे बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए पैसा चाहिए, भाई टेररिज्म को भी चाहिए। अब इस केस में जब टेररिज्म के पास पैसा आएगा वो चलेगा, जैसे ISIS के केस में क्या था, उन्हें फाइनेंस तो हो रहा था, पूरे वर्ल्ड ने फाइनेंस को रोक दिया कि अब देखते हैं कैसे बढ़ता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑयल फील्ड्स जो वेस्ट एशिया में थी वो एक्वायर कर ली, वहाँ से वो दूसरी कंट्री को तेल बेचते और पैसा कमाते, इसीलिए IS बहुत लेवल तक सर्वाइव किए। इस केस में अगर हम फाइनेंस कर्व करते हैं तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन नहीं मिलती, और अगर आपका गला घोट दें या किसी का मेरा गला घोट दें तो उस केस में क्या होगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा और इट मीन्स कि मेरी लाइफ लाइन चली जाएगी। तो ये फाइनेंस इज अ ऑक्सीजन टू द FATF, टू द टेररिज्म। तो अगर जब हमने फाइनेंस को कर्व किया एंड अल्टीमेटली वो सारा टेररिज्म डिक्रीज हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से FATF एंड ब्लैकलिस्टिंग पाकिस्तान। नाउ इन सिविल सर्विस दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन इन प्रीलिम वेर यू शुड नो दैट FATF इज अ इंटरगवर्नमेंटल बॉडी एंड 40+9 रिकमेंडेशन इज रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एंड फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव यू नीड टू नो कि भाई इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, अगर कोई ग्रे लिस्ट में आ रहा है कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, उसका एंटी भी करना है अपने कि भाई 2012-15 जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने लोन रेज किए वो कैसे कर लिया, अगर ग्रे लिस्ट का इतना इम्पैक्ट है तो लोन कैसे आ गया, तो ये सारे इशू आपने डिस्कस कर लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट FATF एंड पाकिस्तान ब्लैक लिस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।